बिस्मिल्ल रन रहीम असलकुम डेयर स्टूडेंट्स मैं आपका टीचर जहिर अमर करेश उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आसानी से लास्ट लेक्चर्स को अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स या इन अदर वर्ड्स कह लें टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन को लास्ट लेक्चर में हमने देखा था के इसकी कौन कौन सी होती है, जिसमें साइज पिक्सल रेजोल्यूशन डॉट पेज एंड कलर्स आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर हैं, इनमें कैथोड रे ट्यूब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड एलईडी लाइट इमिटिंग बेस स्क्रीन को डिस्कस किया जाएगा बेसिकली अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो कॉमनली यूज टाइप्स जो डिस्कस की जाए तो उनके अंदर ये दो मेन कैटेगरीज आ जाती हैं मॉनिटर स्क्रीन की या तो वो सीआरटी या कैथोड रे बेस्ड या फिर वो फ्लैट पैनल आ जाते हैं अब फ्लैट पैनल के अंदर मजीद टाइप्स आ जाते हैं जिनमें कॉमनली यूज आजकल या सबसे ज्यादा जो यूज हो रही हैं वो कौन सी हैं एलसीडी एंड एलईडी हैं इनके अंदर एक और टाइप आती थी डेट वाज ईएलडी जो कि ट हो चुकी है और एक और टाइप आती है प्लाज्मा स्क्रीन ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होती है आपके सिलेबस में इन्हें डिस्कस नहीं किया गया ठीक है तो बेटा कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन क्या होती हैं इन्हें हम डिस्कस करते हैं और इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे काम करती थी सीआरटी स्क्रीन कॉमनली यूज टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन सबसे ज्यादा यूज होने वाली डिस्प्ले स्क्रीन कौन सी थी सीआरटी स्क्रीन थी ठीक है इट इज सिमिलर टू द स्टैंडर्ड टेलीविजन सेट ये बेसिकली टेलीविजन सेट जो पहले टेलीविजन आते थे जो बड़े से साइज के होते थे ऑन द टेबल रखे गए होते थे उनकी तरह के मॉनिटर या डिस्प्ले स्क्रीन होती थी ठीक है इट कंटेन्स कैथोड रे ट्यूब इसके अंदर कैथोड रे ट्यूब यूज हो रही होती है एक इलेक्ट्रॉन की ट्यूब होती है जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और डेटा को डिस्प्ले कर रहे होते हैं ऑन द स्क्रीन इट कंटेन्स सीआरटी या कैथोड रे ट्यूब टू प्रोड्यूस द इमेज जिसके जरिए से इमेज प्रोड्यूस किया जाता है सीआरटी इज अ वैक्यूम ट्यूब बेसिकली कैथोड रे ट्यूब क्या है एक वैक्यूम ट्यूब है वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन गन्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं एक वैक्यूम ट्यूब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन गन्स के थ्रू एंड अ फॉस्फर कोटेड स्क्रीन और इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर दूसरा एलिमेंट जो आ जाता है एक तो इलेक्ट्रॉन गए और दूसरा कोटेड स्क्रीन आ जाती है फॉस्फोरस बेस्ड स्क्रीन होती है और इस स्क्रीन के अंदर फॉस्फोरस गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर तो बेटा उससे पहले हम यहां पर एक और चीज भी देखते हैं कि सी जो है वो वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन्स यूज़ हो रही होंगी और को, कोटेड स्क्रीन के ऊपर इमेज प्रोड्यूस हो रहा होगा फास्फोरस के जो मालिक्यूल ही कम टाइम के लिए ग्लो करते हैं। इनको रिपीटेडली ग्लो करवाने के लिए कंटिन्यूसली ग्लो रखने के लिए बार बार इलेक्ट्रॉन्स फायर किए जा रहे होते हैं ऑन द स्क्रीन चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जाने और इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं विद डायग्राम। जी बेटा तो आपको बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम नजर आ रही होगी तो वो पुराने टेलीविजन सेट्स या फिर जो मॉनिटर्स जिन्हें हम कहते थे जो सीआरटी मॉनिटर्स हैं, उसकी डायग्राम है इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो हमने इलेक्ट्रॉन गन की बात की ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन आ रही है ठीक है ये पावर केबल पावर केबल से सिग्नल आते हैं इलेक्ट्रॉन गन के पास वो इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है कलर स्क्रीन के अंदर तीन डिफरेंट कलर्स में इलेक्ट्रॉन को फायर कर रही होती है किधर ऑन द स्क्रीन कौन सी स्क्रीन ये फास्फर कोटेड स्क्रीन आ जाती है ये कौन सी है ये फास्फर कोटेड स्क्रीन आ गई अब इस स्क्रीन के अंदर किस तरह से डेटा प्रोड्यूस हो रहा होता है बेसिकली इस स्क्रीन के अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं किसके फास्फोरस गैस के अब ये एटम्स क्या होते हैं लाइन अप हो जाते हैं ऐसी फॉर्म में के इमेज प्रोड्यूस किया जा सके बाय अलाइंग द लाइट और ब्लॉकिंग द लाइट ठीक है कुछ पार्टिकल्स या कुछ एटम्स लाइट को अलाउ कर रहे होते हैं ग्लो करके और बाकी ब्लॉक कर देते हैं ठीक है अब इसमें देखें ये इलेक्ट्रॉन गन आ गई इलेक्ट्रॉन गन के साथ साथ ये क्या चीज आ रही है फोकसिंग यूनिट आ रहा है। बेटा आपने लेंजेस के चैप्टर के अंदर इन फिजिक्स ये चीज पढ़ी है कि फोकस पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जितने ज्यादा डायमीटर होगा या पर्चर होगा लेंस का उतना ही फोकस पॉइंट दूर होगा जितनी बड़ी स्क्रीन है उतना ही उनका साइज भी बड़ा होता है क्यों उनका फोकस पॉइंट भी उतना ही दूर होता है ठीक है तो इसी तरह से ये फोकस पॉइंट बन गया अब इस फोकस पॉइंट ने क्या किया मल्टीपल जो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रही हैं मीन इलेक्ट्रॉन गन क्या कह रहा है तीन डिफरेंट कलर्स में बीम्स को फायर कर रहा है आर जी बी कौन कौन से कलर रेड ग्रीन और ब्लू कलर इस डायग्राम के अंदर एक बीम को हम डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले रेड बीम जो सी है वो कहा आई फोकसिंग यूनिट फोकस पॉइंट के पास और यहां से ये फोकसिंग एरिया से गुजरती हुई कहां पर आ गई डिफ्लेक्शन प्लेट्स के अंदर आ गई इस मॉनिटर स्क्रीन के अंदर दो डिफ्लेक्शन प्लेट्स यूज हो रही हैं एक हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स और दूसरी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स कर क्या रही है ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन बीम्स को डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रही होती हैं कि किस डायरेक्शन के ऊपर कौन सी बीम ने हिट करना है ठीक है डिफरेंट एंगल्स प्रोड्यूस कर रही होती है ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई अब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हॉरिजेंटल प्लेट से और वर्टिकल प्लेट से गुजरती है तब ये अपने एंगल में आ जाती है कि किस एंगल के ऊपर ऑन द स्क्रीन इसने हिट होना है अब ये देखें रेड कलर की बीम आ रही है और बाकी दोनों बीम जीरो हैं तो यहां पर कौन सा कलर प्रोड्यूस हो रहा है रेड कलर प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है इसके जो एटम्स हैं जिनको ये हिट कर रहा है वो ग्लो करेंगे और किस शॉर्पनर से ग्लो करेंगे इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फायर बाय द इलेक्ट्रॉन गन जितनी शिद्दत से इलेक्ट्रॉन्स फायर होंगे उतने ही ब्राइटर इमेज ऑन द स्क्रीन प्रोड्यूस होगा ठीक है ये सिर्फ तीन कलर्स नहीं बाकी कलर्स जो बनते हैं वो इन तीनों बीम्स के कंबिनेशन से बन रहे होते हैं, ठीक है और वो कंबिनेशन कहां बनता है फोकस पॉइंट के पास नहीं डिफ्लेक्शन प्लेट्स के पास नहीं जब इधर हिट होते हैं एक ही एटम के ऊपर तीनों बीम्स जब हिट होंगी तो तीनों का मिक्सचर एक नया कलर प्रोड्यूस कर देता है और वो कलर डिपेंड करता है इन तीनों कलर की के मैग्नीट्यूड के ऊपर ठीक है अब ये जो बीम है ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या कह रही है कंटिन्यूसली इस बीम को मूव कर रही होती है ऑन द स्क्रीन ताकि वो इमेज कंटिन्यूसली डिस्प्ले होता रहे क्योंकि जो फास्फर एटम्स हैं, वो बहुत ही कम टाइम के लिए ग्लो करते हैं उन्हें कंटिन्यूसली डिस्प्ले करवाने के लिए ग्लो रखने के लिए बार बार ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स के जरिए से ये इसके डिफरेंट एंगल्स में इलेक्ट्रॉन्स फायर किए जा रहे होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन गन फायर कर रही होती बच्चों जब भी आप सीआरटी का या कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन का टॉपिक पेपर में लिखते हैं या अटेम्प्ट करेंगे तब आपने डायग्राम भी साथ में लाजमी बनानी होगी ठीक है।, है अब इसकी वर्किंग को वर्ड्स में भी देखते हैं द इलेक्ट्रिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन गन अब ये इलेक्ट्रॉन गन किस तरह से चार्ज होती है इलेक्ट्रिकली चार्ज है ये इलेक्ट्रिकल वायर है या केबल है जिसके जरिए से इसको पावर मिल रही होती है। और कंप्यूटर के थ्रू यहां से इसे सिग्नल्स भी मिल रहे होते हैं कि किन सिग्नल्स के ऊपर डाटा को या किस डाटा को डिस्प्ले करना है किस इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन्स को फायर करना है ये भी इंस्ट्रक्शंस यहां पर इलेक्ट्रॉन गन को इस केबल के, के थ्रू मिल रही होती है ठीक है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि फायर करती है बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को द इलेक्ट्रिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन गन फायरस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपीटेडली बार-बार ऑन द फास्फोर कोटेड स्क्रीन ये स्क्रीन जो है इसके अंदर ये डिफरेंट फास्फर पार्टिकल्स या एटम्स मौजूद इन पार्टिकल्स को ग्लो करता है इलेक्ट्रॉन बीम्स ठीक है रिपीटेडली ऑन द फास्फर कोटेड स्क्रीन टू ग्लो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बहुत ही कम टाइम के लिए बहुत ही छोटे से हिस्से के लिए एक सेकंड के भी एक सेकंड के लिए भी नहीं उसके भी बहुत ही छोटे से फ्रैक्शन टाइम के लिए ग्लो करते दिस प्रोसेस रिपीट्स फॉर थर्टी टू टाइम्स इन अ सेकंड ये याद रखिएगा कि ये ग्लो करना बार बार गन में इलेक्ट्रॉन बीम्स को फायर करना टू तो डिस्प्ले द इमेज टू तो ग्लो द पार्टिकल कितने टाइम्स थर्टी टू सिक्सटी टाइम्स एक सेकंड के अंदर ये क्या कह रही होती है इस तरह से इलेक्ट्रॉन फायर होती जाएंगी और बार बार एटम्स फॉस्फर गैस के ग्लो करते जाएंगे अब ये बात आपको समझ आ गई अब कलर सीआरटी स्क्रीन अगर हमारे पास क्या है कैथोड कलर स्क्रीन है बेटा हमने कलर्स के करेक्टरिस्टिक में देखा था कि डिस्प्ले स्क्रीन दो टाइप्स की होती हैं एक कलर स्क्रीन होती हैं दूसरी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती है, है। अगर तो ब्लैक एंड व्हाइट होंगी तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गन है वो भी सिर्फ एक ही कलर की होगी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये कलर स्क्रीन को डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर जितने भी कलर्स हैं वो इन तीन बेसिक कलर्स के कंबिनेशन से बन रहे होते हैं आइदर ब्लैक है या व्हाइट है या कोई भी दूसरा कलर शेड है वो सारे इन तीनों के आर जी आर जी और बी के कंबिनेशन से बनते हैं तो इन कलर सीआरटी स्क्रीन थ्री इलेक्ट्रॉन गन्स आर यूज कितनी कलर स्क्रीन में तीन इलेक्ट्रॉन गन्स यूज हो रही हैं टू ग्लो द फॉसफर एटम्स किसमें इन थ्री डिफरेंट कलर्स तीन डिफरेंट कलर्स में फॉसर एटम्स को तो ग्लो करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन गन्स यूज हो रही होती है कौन कौन से कलर्स रेड ग्रीन और ब्लू और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं अदर कलर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन विथ कंबिनेशन ऑफ दीज थ्री कलर्स इन तीन कलर्स के कॉम्बिनेशन से बाकी तमाम कलर्स स्क्रीन पर बनाए जा रहे होते हैं, ठीक है? ठीके? ये डिफरेंट हैं और जो भी इमेज प्रोड्यूस करना होता है उस एटम को ग्लो कर दिया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन गन्स तो बेटा ये आपके पास इसकी वर्किंग आ जाती है ये इसकी डायग्राम आ जाती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के अंदर इवन के जो न्यू मॉडल पेपर आए हैं उनमें आपसे यह भी कहा जा सकता है कि ड्रा द डायग्राम ऑफ एनी हार्डवेयर कंपोनेंट तो उनमें सबसे ज्यादा जो पूछी जाने वाली सीआरटी स्क्रीन की डायग्राम होती है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जाने और सीआरटी स्क्रीन के करेक्टिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं जी बेटा करेक्टिस्टिक्स ऑफ ट्यूब स्क्रीन क्या है करेक्टिस्टिक्स इट कवर्स मोर स्पेस ये साइज में बड़े होते हैं ज्यादा जगह घेर रही होती है ठीक है।, है ये स्क्रीन या मोनिटर्स इट कंज्यूम्स मोर पावर अब देखिए इलेक्ट्रॉन गन ने बार बार इलेक्ट्रॉन को फायर करते रहना है कंटिन्यूसली उसने पावर को यूज करना है तो इस वजह से ये ज्यादा एनर्जी या पावर कंज्यूम कर रहे होते हैं एक रफली स्टीमेट के मुताबिक कि एक सीआरटी स्क्रीन 20 फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन के इक्वल पावर कंज्यूम कर रही होती है मींस कि एक घंटे के लिए हम टेलीविजन को या सीआरटी मॉनिटर को चलाएं और एक घंटे के लिए 20 एलसीडी या एलईडी स्क्रीन को चलाएं तो दोनों एक ही पावर कंज्यूम करेंगे ठीक है लेकिन ये रफली एस्टीमेट्स हैं इट इज बल्कि इन वेट यानी कि वेट में ज्यादा भी होती है जगह भी ज्यादा गहरी होती है सास में भी बड़े होती है ठीक है इट इज हार्मफुल फॉर आईसाइट ये आंखों के लिए हार्मफुल भी है क्यों ड्यू टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स फायर कर रही है उसकी रेडिएशन उसकी emissions जो इमिशंस है, होती हैं उनकी वजह से आईसाइट को भी डैमेज कर सकती है इस वजह से कहा जाता था सीआरटी स्क्रीन्स स्क्रीन के बहुत क्लोज होकर नहीं बैठना चाहिए बहुत क्लोज होकर काम नहीं करना चाहिए तो बेटा ये था आपके पास सीआरटी स्क्रीन से रिलेटेड टॉपिक अब हम दूसरी टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन को डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन जिन्हें हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं सीआरटी स्क्रीन थी वो फ्लैट नहीं थी उनके अंदर थोड़ा सा कर्व होता है जो उसकी डिस्प्ले स्क्रीन है ताकि वो एंगल प्रोड्यूस हो सके और इमेज प्रॉपरली डिस्प्ले हो सके लेकिन फ्लैट पैनल बहुत ही फ्लैट स्क्रीन होती हैं और अप ऑफ टू ग्लास प्लेट्स होती हैं पहला पॉइंट इट इज अनदर टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन यूज टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन क्या है आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है इट इज मेड अप ऑफ टू ग्लास प्लेट्स ये बनी होती है दो ग्लास प्लेट्स की कैसे टू स्ट्रेट ग्लास प्लेट्स हैं वन एंड टू और इनके दरमियान एंड अ सब्सटेंस इन बिटवीन देम और इनके दरमियान कोई भी सब्सटेंस मौजूद हो सकता है आयदर वो मालिक्यूल्स की फॉर्म में हो या आइधर वो एलईडी बल्ब की फॉर्म के अंदर हो ठीक है तो बेटा इसकी जो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं इट इज लाइट इन वेट क्यों क्योंकि दो ग्लास प्लेट्स हैं इनका कोई फोकसिंग सिस्टम नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन गन्स नहीं है ठीक है ये काम कैसे करते हैं बेसिकली जब इन्हें सिग्नल्स मिलते हैं तो इसके जो मालिक्यूल्स होते हैं जो सब्सटेंस है उसके मालिक्यूल्स खुद ब खुद लाइनअप हो जाते हैं टू फॉर्म द इमेज और कुछ मालिक्यूल्स ब्लॉक कर देते हैं लाइट को और कुछ अलाउ कर रहे होते हैं तो और इस तरह से इमेज बन जाता है इट इज लाइट इन वेट इट टेक्स लेस डेस्क स्पेस यानी कि इन्हें रखने के लिए कम जगह की जरूरत होती है बहुत ही कम जगह घेरती हैं ये इट कंज्यूम्स लेस पावर क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इलेक्ट्रॉन गन्स वगैरह यूज नहीं हो रही इस वजह से ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती हैं। इवन ये बैटरी के ऊपर भी रन हो जाती है इट इज मोर रिलायबल इलेक्ट्रॉन गन्स या सीआरटी स्क्रीन रिलायबल नहीं थी इतनी लेकिन ये ज्यादा रिलायबल होती हैं और कॉमनली यूज हैं या पॉपुलर टाइप्स के अंदर एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड आजकल जब आप मार्केट में जाते हैं तब आप काबले जिक्र इन टाइप्स को देख रहे होते हैं यदि एलसीडी होगी या एलईडी चाहिए जी अब एलईडी क्या है लाइट इमिटिंग डायोड स्क्रीन्स हैं ठीक है इन्हें डिटेल में हम बोर्ड One के ऊपर डिस्कस करते हैं चलते हैं फर्स्ट बोर्ड की जान जी बेटा तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन को हम डिस्कस कर रहे थे जिनके अंदर दो फ्लैट ग्लास प्लेट्स यूज हो रही होती हैं और उनके दरमियान कोई सब्सटेंस यूज होता है हमने उनकी टाइप्स को डिस्कस किया कि टू कॉमनली टाइप्स हैं और उनमें एक एलसीडी आ, आ जाती है और दूसरी एलईडी आ जाती है सो बेटा एलसीडी स्क्रीन किस तरह से इमेज को डिस्प्ले कर रही है देखें कि इट इज अ टाइप ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले ये एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन की टाइप है इट इज थिन ये बहुत थिन होती है एंड लाइट इन वेट और इनका वेट भी बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सीआरटी स्क्रीन अब इसमें डाटा किस तरह से डिस्प्ले हो रहा होता है इट कंटेन्स सब्सटेंस इसके अंदर एक सब्सटेंस जिसे हम क्या कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं बिटवीन टू शीट्स यूज हो रहा होता उन दो शीट्स के दरमियान में इन दो शीट्स के दरमियान एक मटेरियल यूज हो रहा है एक सब्सटेंस यूज हो रहा है और किस फॉर्म में लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म में उसके मॉलिक्यूल्स हैं और उस फॉर्म में यूज हो रहे हैं जिसके जरिए से इमेज ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले होता है मालिक्यूल्स ऑफ दिस सब्सटेंस इस सब्सटेंस के जो मालिक्यूल किस तरह से इमेज को डिस्प्ले करते हैं अप हो रहे होते हैं अरेंज होते हैं इनकी अरेंजमेंट होती है जब सिग्नल मिलते हैं तब ये किस तरह से इसके मालिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं और वो अरेंज होकर लाइट को ब्लॉक या अलाउ कर रहे होते हैं. ठीक है किस तरह से आर अप इन वे डेट लाइट बिहाइंड द स्क्रीन जो स्क्रीन के बैक साइड के ऊपर लाइक वन साइड आपकी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरफ जो लाइट है जो दरमियान में इन मालिक्यूल्स की लाइट आ रही है वो मालिक्यूल्स अप इस तरह से होते हैं कि लाइट बिहाइंड द स्क्रीन इज ब्लॉक आर अलाउड टू क्रिएट एन इमेज ऑन द स्क्रीन के लाइनअप होते हैं मालिक्यूल्स और इमेज को क्रिएट करते हैं बाय अलाइंग और ब्लॉकिंग द लाइट ठीक है तो इस तरह से ये काम कर रही होती हैं एलसीडी स्क्रीन्स प्रोवाइड अ शार्पर इमेज ये क्वालिटी में बेहतर होती है देन सीआरटी स्क्रीन्स और शार्पर इमेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं देन सीआरटी मॉनिटर हमने देखा था कि सीआरटी मॉनिटर्स इलेक्ट्रॉन बीम के गन इलेक्ट्रॉन्स को फायर करने की वजह से क्या ज्यादा रेडिएशंस प्रोड्यूस करते थे लेकिन जो सीआरटी स्क्रीन हैं ये क्या कहती हैं लेस रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं और कंपैक्ट होती हैं यानी बहुत ही कम जगह घेरती हैं देन सीआरटी एलसीडी आर यूज इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट डिवाइसेस में यूज हो रही होती हैं इंक्लूडिंग कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन आप देखें जो टैबलेट्स हैं या लैपटॉप्स हैं उनके अंदर एलसीडी यूज होती थी टेलीविजन फिर अब एल सी भी मौजूद हैं क्लॉक्स डिजिटल क्लॉक है उसके अंदर कैलकुलेटर्स एटसेट्रा और बहुत सारी इस तरह की एप्लीकेशन या डिवाइसेस हैं जिनके अंदर एलसीडी स्क्रीन यूज हो रही होती है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जाने और दूसरी टाइप ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले को डिस्कस करते हैं जी बेटा एलईडी लाइट इमेटिंग डायोड स्क्रीन एलईडी बेसिकली स्मॉल बल्ब हैं जिनके जरिए से डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट टेक्स वगैरह को डिस्प्ले करवाया जाता था जो ऑन ऑफ भी हो जाते हैं और कंप्यूटर के जरिए उन्हें कंट्रोल भी किया जा सकता है उसी टेक्नोलॉजी के जरिए से अब स्क्रीन बनाई जा रही हैं। कैसे के एलईडी बेसिकली एक लाइट इन वेट फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन है अब ये कैसे इमेज को ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले कर रही है इट यूजेज एलईडी एलईडी स्मॉल माइक्रो बल्ब ये यूज कर रही होती है एज पिक्सल ईच बल्ब या ईच एलईडी एक पिक्सल के तौर पर यूज हो रहा होता है एलईडी एलईडीज क्या है लाइट इमिटिंग डायोड्स इन साइज एज पिक्सल्स आप इसमें माइक्रो या नैनो साइज के अंदर जो कि एक पिक्सल को रिप्रेजेंट कर सके उसमें एलईडीज यूज हो रही होती हैं फॉर डिस्प्ले द इमेज यानी कि इमेज को डिस्प्ले करने के लिए एलईडीज यूज होती हैं माइक्रो साइज में और ये एलईडीज मल्टी कलर होती हैं जैसे ही कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन मिलती है जिस कलर की इंस्ट्रक्शन मिलती है लोकेशन मिलती है पिक्सल की तो उस लोकेशन पर वो एलईडी उसी कलर में इमेज को डिस्प्ले कर देती है इट प्रोड्यूसेस ब्राइटर इमेज अगर हम एलसीडी से इसे कंपेयर करें सीआरटी तो हमारे पास लो क्वालिटी बन गया देन फ्लैट पैनल अब एलसीडी से भी अगर एलईडी को कंपेयर करें तब आपके पास क्या आ जाता है इट प्रोड्यूसेस ब्राइटर इमेज एंड इमेट लेसर रेडिएशंस इवन देन एलसीडी स्क्रीन्स, स्क्रीन ठीक है सीआरटी स्क्रीन के साथ साथ एलसीडी स्क्रीन से भी बहुत ही कम रेडिएशन और बहुत अच्छी क्वालिटी का इमेज प्रोड्यूस कर रही होती हैं एलईडी रन ऑन लो टेम्परेचर ये बैटरी पर भी और लो टेम्परेचर के ऊपर भी रन हो रहे होते हैं यानी कि ये हीट भी प्रोड्यूस नहीं करते जो सीआरटी मॉनिटर से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे एलसीडी भी है उसमें मॉलिक्यूल्स के लाइन अप होने के लिए भी हीट प्रोड्यूस होती है और कुछ देर के बाद वो हीट अप भी हो सकती है लेकिन एलईडीज अप नहीं होती क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो एल होती हैं जो कि ऑन और ऑफ हो रही होती है। ठीक है रन ऑन लो टेम्परेचर एंड कंज्यूम्स लेस पावर देन एलसीडी एलसीडी से भी ज्यादा कम टेम्परेचर रन होती है और लेस पावर कंज्यूम कर रही होती है जो मेन इसका डिफरेंस है वो इसका लाइफ स्पैन आ जाता है ये ज्यादा रिलायबल है और इसका लाइफ स्पैन भी लॉन्गर है देन अदर ऑल स्क्रीन्स बाकी तमाम स्क्रीन से ये ज्यादा रिलायबल है इसी वजह से आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हैं। ज्यादातर जो लेटेस्ट डिवाइसेज आ रही हैं जिनके अंदर स्क्रीन यूज होती हैं, वहां पर एलईडी स्क्रीन ही यूज हो रही होती हैं। द ऑनली ड्रॉबैक ऑफ एलईडी स्क्रीन इज डेट इसका एक ड्रॉबैक भी है और वो ड्रॉबैक क्या है इज डेट इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव देन अदर टाइप्स ऑफ स्क्रीन ठीक है कि ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्क्रीन भी हैं अब इनमें कैसे डाटा आता है यही वही दो फ्लैट प्लेट्स आ गई और इनके दरमियान में ये माइक्रो लगी हुई हैं अब ये एलईडीज़ कब लाइट करती हैं जब इन्हें सिग्नल मिल रहे होते ठीक है तो कब ऑन हो जाती हैं किस कलर में ऑन होती हैं जिस तरह के सिग्नल्स मिल रहे होते हैं उसी कलर में ये ऑन होकर डिस्प्ले

फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिस्कस अबाउट सीआरटी स्क्रीन और इसी तरह एक ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है ड्रा द डायग्राम ऑफ सीआरटी स्क्रीन तो बेटा डिफरेंट क्वेश्चन इसमें मौजूद है इंपॉर्टेंट टॉपिक है जरूर अच्छे से याद करें बार बार इस वीडियो को देखें और इसके थ्रू अपने लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर लें अपना ख्याल रखिएगा इजाजत दें अल्लाह हाफिज